बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका माहिर अपना डॉक्टर मोहम्मद आरिफ। आज हम बात करेंगे जानवरों की सेहत के बारे में, और हमारा जो आज का टॉपिक है वह जानवरों के अंदरूनी क्रम। जानवरों के जो अंदरूनी क्रम है, हमें कैसे पता चलेगा बगैर लेबॉर्टरी में गोबर को चेक कराए हुए कि जानवरों में क्रमों का मसला आ चुका है। जानवर जब भी बाहर चारागाहों में चारा चरते हैं तो वो ज़ाहिर है मिट्टी वाला चारा ही इस्तेमाल करते हैं, पानी भी बाहर से पीते हैं, तो उनमें यह प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी पैदावार जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जैसे दूध की पैदावार भी कम हो जाती है और गोश्त की पैदावार भी कम हो जाती है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं प्यारे किसान भाइयों आपको ये बताऊंगा कि आज की जो हमारी जो वीडियो है, ये हम देहातों के अपने उन किसानों के नाम कर रहे हैं जो कि बहुत मेहनती और जफाकश हैं और जिनकी मेहनत और जफाकशी की बदौलत ही मईशत का पहिया चलता है। प्यारे किसान भाइयों, जानवर की जो कि जुबान तो है नहीं कि वो बोल के बताया कि उसके अंदर क्या मसला चल रहा है। जैसे अगर जानवर जो है वो सिर्फ अपनी अलामत से शो करता है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है। जैसे अगर जानवरों में कैल्शियम की और फास्फोरस की कमी आ जाती है तो वो हड्डियां जो बाहर जानवरों की होती हैं, पुरानी हड्डियां, उनको चबाना शुरू करता है, जिससे हमें यह अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर फास्फोरस की, कैल्शियम की और दूसरे नमकियात की कमी आ चुकी है। इसी तरह अगर जानवर कहीं लोहे की चीज़ों को चाटे तो इसका मतलब यह है कि जिसमें आयरन की कमी है, इनके लोहे की कमी हो चुकी है। आज की जो वीडियो है इसमें आपको ये बताऊंगा कि जानवरों में वो कौन सी अलामत है जिससे हमें यह अंदाज़ा हो जाएगा कि जानवरों में क्रमों का मसला आ चुका है। प्यारे किसान भाइयों, अभी जानवरों में जो क्रमों की अलामत है वो आपको अभी तफसील से मैं बताऊंगा। इन क्रमों की अलामत को याद रखने के लिए हम जानवरों के जो अलामत हैं ये मुंह से शुरू करने लगे हैं और आखिर तक हम चले जाएंगे इसको देखते हुए। जानवरों की आंखों से पानी निकलना, जानवर की आंखों में गिड्डाना और जानवर के मुंह से रालें टपकना। ये जो जानवर के मुंह से रालें टपकती हैं ये बड़ी मखसूस होती हैं इसमें। जब जानवर चारा खा रहा हो या वैसे खड़ा हो तो उसके मुंह से कतरों की शक्ल में टिप टिप करके गिरती हैं। रालों की चूंकि और भी काफ़ी सारी किस्में हैं, जैसे मुँह खोर में जब जानवर रालें बहाता है तो वो और तरह की होती हैं। इस तरह जब जानवर को रेबीज यानी कि बौलापान हो जाता है उसकी रालें किसी और तरह की हैं। वो जब हम ये प्रोग्राम करेंगे तो उसमें आपको हम बाकायदा इसको बताएंगे तफसील से। जानवर चारा बहुत कम खाता है, ज़रा चारा कम खाएगा तो पैदावार कम हो जाएगी। और यह जानवर चारा बहुत ज़्यादा खा रहा होता है, बहुत ज़्यादा खाने का मतलब यह है कि 50 से 80 किलोग्राम से ज़्यादा अगर बड़ी गाय खा रही है चारा, सदस्य चारा और ज़्यादा मांग रही है, लेकिन पैदावार जो है दूध की शक्ल में वो ज़्यादा नहीं बढ़ा रही, तो इसका मतलब क्रमों का मसला अंदर मौजूद है। इसी तरह जानवर जो है खांसी करता है, और खांसी जो है वह गाहे बगाहे करता है, रात के टाइम ज़्यादा करता है खांसी। जब रात के टाइम ज़्यादा खांसी करता है इसका मतलब यह है कि फेफड़ों में भी क्रमों का हमला हो चुका है। हम जानवर की जिल्द को देखें तो जिल्द जो है वो खुश्क हो चुकी होती है। भैंसों की शक्ल में देखें तो वो, हम जब नहलाते हैं भैंस को तो काली होगी, लेकिन जो ही भैंस सूखेगी तो जिस्म जो है वो वाइट हो चुका, सफ़ेद हो चुका होगा, खुश्क हो चुका होगा। बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, जगह जगह सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, बालों का रंग जो है वो फीका पड़ जाता है, उनमें चमक नहीं रहती। पेट जो है वो जानवर का फूल के यूं गुलाई में गुब्बारे की तरह नीचे आ जाता है, ऊपर से जिस्म जो है वो बहुत पतला रह जाता है, मुंह भी बहुत ज़्यादा पतला रह जाता है। गोबर की सूरत हाल देखें तो गोबर अगर वो बाहर अच्छा कर रहा है, जैसे भैंस के गोबर की खास शक्ल है और गाय के गोबर की भी खास शक्ल है, अगर वो नॉर्मल कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर अगर जाला आया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि क्रमों का लोड काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। जानवर गोबर पतला करता है, पतले गोबर के साथ उसमें बदबू आती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि जो गोबर पतला कर रहा है उसके साथ बदबू भी आती है। ये मखसूस अलामत हैं जो कि जानवरों में पाई जाती हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इनमें क्रमों का हमला हो चुका है। अगर बिलफर्ज़ महाल आपको बहुत कम अलामत नज़र आती हैं तो ये याद रखें, जो ज़मीन से चारा खाने वाला जानवर है, कन्फर्म ज़ाहिर हर जानवर ज़मीन से चारा खाएगा, जब वो ज़मीन से चारा खाएगा चाहे वो खुद चरने के लिए बाहर जाए या बाहर से कटा हुआ चारा उसके पास आए, तो उस चारे के साथ क्रमों के अंडे और क्रम जो है वो डायरेक्ट जानवर के मैदे में चले जाते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। क्रम जो है सिर्फ मैदे में नहीं होते बल्कि फेफड़ों में, जिगर में, अंतड़ियों में, हत्ता कि आंखों में भी क्रमों का हमला हो जाता है। ये क्रमों की अलामत थी जो कि आपने याद रखनी है। अगला प्रोग्राम जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वो हमारा होगा क्रमों के नुकसान, कि क्रम जो है वह नुकसान कितना करते हैं। अभी मैं आपको चंद वीडियोस जो है वो दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि जानवरों की जो शक्ल है, उसका जो जिस्म है, वो क्रमों के हमले की वजह से कैसा दिखता है। अल्लाह रहमान रहीम, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, आप भैंस देख रहे हैं,
कि इसकी आंखों में भी जो है गिद्ध आई हुई है, और जिस्मानी हालत जो है वह आप मुलाजा फरमा रहे हैं कि बिल्कुल पसलियाँ इसकी बाहर निकल चुकी हैं और चारा बहुत कम खा रही है। ये आप देख रहे हैं कि इसकी आंखों में पानी भी है और गिद्ध भी है, और इसके साथ साथ आप देखें कि इसने अपना पेट भी जो है वो नीचे लटकाया हुआ है सारा, और इसके बाल जो हैं वो भी ब्राउन हो चुके हैं। जो पेट का लटकना है नीचे ये भी किरमों की वजह से है, और इससे जानवर जो है अपना वज़न काफ़ी सारा कम कर लेता है और इसकी ग्रोथ जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाती। ख़ास और ख़ास जो देहात के रहने वाले फार्मर हैं और जो जहाँ कहीं से भी उनका तलक है, चाहे वो मशरक से हैं चाहे मगरब, ये उनके लिए है, और शहरों में रहने वाले फार्मर भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और हमारा ये प्रोग्राम इंशाल्लाह जारी रहेगा, और आपकी जो राय है वो हमारे लिए बहुत मुकद्दम होगी। हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो हमारे चैनल लाइफ स्टॉक हेल्थ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ एक कोने में जो घंटी की पिक्चर दी रखी है उसको आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो नए प्रोग्राम के साथ आपको बरवक्त मिल सके। किसी भी किस्म का आपका जो सवाल है जानवरों के पालने के मुतल्लिक वो आप ज़रूर हमसे पूछिए, और इंशाल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे। खुदा हाफिज़।